पंडित जी, आप एक दिन डटोगे, 2 दिन, 4 दिन, इसे डटोगे। अब बस फिर और भी वीडियो बनाना आऊंगे, जैसे सुधीर गोड और भी आऊंगे। खरी तो आते रहे, कोई बात ना, हाँ, हमने क्या क्योंकि दिक्कत, आपके पास ज्ञान बहुत जिसा है। जाना है उसा बता देंगे। हाँ, ज्ञान बहुत है, और ज्ञान का प्रचार प्रसार तो होता रहे, उतना ही बढ़िया। भाई जितना लोग जान ले अच्छी बात है, मेरा हम एक प्रश्न है, जितने भी वीडियो बनाओ ना, किते न किते घनी ना थे, एक दो में कह दियो, भाई हरियाणा में जितने कवि हुए हैं, आध्यात्मिक कौन से हुए हैं मेन मेन, और समाज गाने वाले कौन से हुए हैं? बता दिया बोले। हाँ, यो मेरा प्रश्न भी है, और हो रहा पे पूछ दियो। यो तो आ भी लिया उसका उत्तर भी कि भाई ये भगत जी तो जो सुना है पंडित जी ने विद्वान मानते और गायक ना मानते कवि ना मानते, भाई ऐसा नहीं है, ये तो आपकी सोच है। मैंने कब कहा भाई ये कुछ ना थे, मैं तो एक बताऊँ, सब के सब माननीय महान, यानी सिर माथे का मोड़ है, जिसने कविता बनाई चाहे 10 बनाई चाहे 50 बनाई चाहे कथाएं की कथा बना दी, लेकिन कविता बनाना बुद्धि का खेल है, बहुत टेढ़ा खेल है, कोई आसान भगत जी, बात। मेरा प्रश्न फिर सुनो, बात कविता की नहीं हो रही, कविता तो बना गई यार, गई कविता रे गिर में गई, बात हो रही है उन कविताओं में सामाजिक उत्थान की खुशबू कौन से कवि के मावे है, और आध्यात्मिक खुशबू कौन से मावे है। देखो मेरा प्रश्न बहुत गहरा है, बहुत बढ़िया, तेरा प्रश्न का उत्तर बताऊं। आध्यात्मिक खुशबू कहाँ से आती है, हाँ और सामाजिक खुशबू, सामाजिक उत्थान की खुशबू कहाँ से आती है, ये प्रश्न है मेरा। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर यू है रोला साहब कि समाज में खुशबू है ही नहीं, आओगी कड़ी से। नहीं, समाज में खुशबू आओ ना आओ, सामाजिक उत्थान की बात उत्थान होता ही नहीं समाज का, किसकी कविताओं में आती आप है। किसको उत्थान मानते हो, जिसको आप उत्थान मानते हो ना हाँ, विद्वान लोग उसको नाश मानते हैं, यो है तो भेद समझ का। फिर वह कैसे मान लेंगे इस बात में कि वह समाज का उत्थान होगा, उत्थान केवल एक ही बात से होता है। इंदिरा गांधी ने नारी खातरे, हक दीवान खातरे 100 में से 10 पीछे काम कर दिया, लड़की का कर दिया। फिर नाश कर दिया, इस देश का नाश नहीं कर सुनो दिया। सुनो सुनो, सती प्रथा होया कर दी, राजा राम मोहन राय ने उसको दूर करने की कोशिश करी, आज बलराज कुंडू ने बस ला रखी है, मैंने निबेराव किस पार्टी से है, लड़कियों के लिए स्पेशल, तो ये उत्थान है कि क्या है? भाई थारी नज़र में उत्थान है लेकिन मारी नज़र में स्वार्थ है। उत्थान की बात तो करी उत्थान मैं, क्या कहें, क्या न कहें उत्थान, आप यूं ही ना जानते और वे लोग यूं ही ना जानते कि उत्थान होता क्या है। इंदिरा गांधी ने लड़कियों को हक दिया, वो बड़ी नाश सुंदर, करने का उत्थान मान रहे हो तुम, उस नाश कर दिया उसका उत्थान मान रहे हो, उसने जिसने बिगाड़ दिया हो, वीर मर्द का जूत बाज जाए, मेल टूट जाए, नरे नरे राह हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, उसको तो आप उत्थान मान रहे हो। ये बता मारी रहा आपकी बात ना मिलती, हम उसको जो सुना उत्थान नहीं मान रहे, बस ये एक बेकार विचारधारा, मान रहे। हाँ विचारधारा की बात है, आप उसने विकार मान रहे हो, कुछ लोग उसने उत्थान मान रहे हैं, दो विचारधारा के आदमी हैं। सुनो, दोनों विचारधारा में एक सत होगी एक असत होगी, चाहे मारी ना सत मान ले चाहे अपनी ना सत मान ले, दोनों तो सत हो नहीं सकते, वो तो उन क्योंकि दो सरा सत। सुनो, विद्वानता की बात सुनो, ज्ञान की बात सुनो, अगर हमारे द्वारा सुननी है जितना हमने ब्राह्मणों के द्वारा और गुरुओं के द्वारा जाने ना, दो एक तलवार में दो म्यान नहीं होती, दो सत कभी हो नहीं सकते, सत एक होगा, बिल्कुल सही चाहे तो बात है। संसार को सत मान ले और चाहे परमात्मा को सत मान ले, चाहे तो कल्याण को सत मान ले और चाहे इस पाप को सत मान ले, ठीक है, क्योंकि जिसका नाश हो जाए, जिसके द्वारा क्लेश मिले, जिसके द्वारा अशांति मिले, उसको कहते हैं पाप, मानेगा? और जिसके द्वारा, जिस कर्म के द्वारा शांति मिले, सुगन मिले, आराम मिले, शीलता आवे, प्रेम उत्पन्न हो, उसको कहते हैं उत्थान।
इन राजाओं ने अपनी कुर्सी खातर अपने स्वार्थ खातर सिर्फ देश का बिट्ठा बिठाया है। और जो सुनया होगा ना आपने, ये विद्वानों द्वारा, ये तो कवियों द्वारा भी सुनया होगा, भाई तपेश्वरी तो राजेश्वरी और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी, यानी राज भोग करके नरक में जाते हैं, ऐसा तो को आप सुनी होगी ना आपने, सुनी है। लेकिन मैं नहीं कहता ऐसा, मैं उसका उत्तर यूं देता हूं कि ना ऐसा नहीं है। राजा के पास सारी सामर्थ्य होती है, ये मोदी सरकार है, अपनी सरकार है, उसके पास पूरी सामर्थ्य है, वो चाहे तो सीधा मोक्ष के कार्य कर सकता है, और अगर नहीं करेगा मोक्ष के, प्रजा का शोषण करेगा तो नरक में जाएगा। यह उसकी बात देखनी है, उसने देखनी है कि वो क्या करता है, प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा का उत्थान करता है, प्रजा का कल्याण करता है, तो कल्याण क्या न कहे हैं ये देखना पड़ेगा। 10 रुपये का लोभ देकर तेरे को इसने कल्याण माना है तू, या उस शांति ने सुख ने कल्याण माना है तू, जिसमें तो दुविधा मिट जाए, बीमारी ना हो, तड़फे कोने जीव, उसको सुख मानता है। अगर या 10 रुपये की आग लाग जाओ और घने बेईमाना करो और कपट और ले आओ लोग गोज काट के, उसको उत्थान मानता है तू, ये बात हमारी अपनी सोच की बात अलग अलग। लेकिन ये बात सिद्ध मैं कहता हूँ कि राजा की तो मोक्ष होती हुई है। प्राचीन में देखो जितने राजा हुए, उन आता था यूँ छोड़ करके, उन दुष्बुद्धि को छोड़ करके जिन्होंने पब्लिक का शोषण किया, पब्लिक को हड़प किया, पब्लिक का धन लूट लिया। सती प्रथा कैसी थी, एक बोड़ो बोल दो थोड़ा, वो ठीक थी कि राजा राम मोहन राय ने उसको खत्म कर दिया? सती प्रथा बंद कर। देखो भाई, ये तो एक अलग सोच होती है, अलग अलग व्यवहार होते हैं, अलग अलग समय होता है। मानता हूँ। भगवान शिव की पत्नी थी राजा दक्ष की लड़की सती, भागवत पुराण में भी कथा है, आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि भाई सती अपने पिता के यज्ञ में गई थी, और जब उसने उसके पति का अपमान किया और उसका आदर ना किया, तो वो यो योग अग्नि से जो सुना, योग अग्नि से अपनी भीतर की अग्नि से, और आग लगा करके आहवन शुरू करने तक पहले ही जो सुना उसको भस्म होगी। तो सती वाह उनका उसका अधिकार है, ये तो कई दंगताना भी करते हैं, राजाओं ने दंगताना करे हैं, हाँ तो गलत है ना, उसको रोकना बढ़िया, ये मैं मानता हूँ। अगर उसमें सामर्थ्य है कि भी चिता बनाकर बैठ गई चिता में और उसकी अपनी योग अग्नि से, अग्नि बाहर से नहीं, भीतर में अग्नि है, 8 अग्नि भीतर में है प्रोला साहब, बाहर तो बरना भीतरता बरण आई से, पिंड ते ही ब्रह्मंड में आई से, ब्रह्मंड तो पन में ना गई, क्योंकि पिंड से ही ब्रह्मंड की रचना हुई, पहले पिंड रचा है। ठीक बात। 8 अग्नि भीतर हैं, अगर वह सतीपति वर्ता है तो उसको ना तो कोई रोक सकता, राजा की जो औकात किया है भगवान व्याण कर रोक नहीं सकता। जैसे सती सांडली की कथा सुनी होगी ना, अनसुईया की शिष्य थी, अनसुईया की सेवा करा करती, अनसुईया से पूछा जो जवान होगी कि माता मैं अपना